नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है मेरे एक और हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में जिसका शीर्षक है प्रोफेशनल वर्सेटिलिटी, यानी कि प्रोफेशनली बहुत ज्यादा चीजों की जानकारी रखना, अपने प्रोफेशनल संदर्भ में वर्सेटाइल होना। हम सभी जानते हैं कि हम जो भी प्रोफेशन पाते हैं हमारी क्वालिफिकेशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसी हमारी क्वालिफिकेशन होती है वैसा ही हमारा प्रोफेशन होता है, क्योंकि हर प्रोफेशन को गेन करने का एक क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है। अगर आप उस क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तभी आप रिलेवेंट इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे और तभी आपको रिलेवेंट जॉब मिल पाएगी। ये कॉमन सिनेरियो है, हम सभी जानते हैं। लेकिन प्रोफेशनल वर्सेटिलिटी के केस में आज के युग में आपको एक से ज्यादा चीजों की नॉलेज रखना बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। आप इस बात पे कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि आपको किसी एक फील्ड की परफेक्ट नॉलेज है, या आपने जिस पर्टिकुलर फील्ड में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसके अंदर आपने मोर देन 90% स्कोर किया है, साथ के साथ आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी परफेक्ट है, और सिर्फ इस बेसिस पे आप प्रोफेशनल लाइफ में, इंडस्ट्रियल लाइफ में खुद को प्रॉपरली एस्टेब्लिश कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहली दिक्कत यह है कि हमारे यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसका कोई रिलेशन नहीं होता इंडस्ट्रियल लाइफ से। ये बात मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी कह चुका हूं। हम पढ़ते कुछ और हैं और जब हम इंडस्ट्री हिट करते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां तो कुछ और ही हो रहा है। अगर आपको इस इंडस्ट्री और स्टडी लाइफ के गैप को ब्रिज करना है तो उसके लिए आपको कुछ खास चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली चीज यह है कि अपनी प्रोफेशनल डाइवर्सिटी आप हमेशा बढ़ाएं, किसी एक चीज के ऊपर टिके ना रहें। यहां मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि आपका लाइफ में कोई स्पेसिफिक एम नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति का लाइफ में एक स्पेसिफिक एम होता है, और स्टूडेंट लाइफ में ही कोई व्यक्ति पहले से ही अपना माइंडसेट तय कर लेता है कि मुझे इसी पर्टिकुलर प्रोफेशन को ज्वाइन करना है, और उसी पर्टिकुलर प्रोफेशन को पाने की डायरेक्शन में उस स्टूडेंट के सारे एफर्ट्स होते हैं और होने भी चाहिए। लाइफ में हमेशा एक टारगेट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके टारगेट वैलिड हैं तो आप कभी एक स्पेसिफिक फील्ड में सक्सेस नहीं पा सकेंगे। इसलिए टारगेट हमेशा सेम होना चाहिए, लेकिन उस टारगेट के साथ साथ आपको एडिशनल चीजों की नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ उस स्पेसिफिक टारगेट के दम पे आप प्रोफेशनली सक्सेसफुल हो पाए ये आजकल के इंडियन मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब प्रोफेशनल कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उस दौरान मार्केट में किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज, किसी पर्टिकुलर टूल, किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा जोर शोर से काम चल रहा होता है। इसलिए प्रोफेशनल कॉलेज के स्टूडेंट्स अपने सेमेस्टर हॉलीडेज में जाके उस पर्टिकुलर टूल, उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर दिल्ली, बैंगलोर ऐसे शहरों में जाके इंडस्ट्री रिलेवेंट सर्टिफिकेशन कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ उन्हें इंडस्ट्रियल टूल्स और टेक्नोलॉजीज की भी नॉलेज हो रही है। लेकिन जैसे ही वो अपना फाइनल ईयर फिनिश करते हैं वैसे ही उन्हें पता लगता है कि जिस पर्टिकुलर चीज में उन्होंने सर्टिफिकेशन की थी अब इस समय उसकी कोई यूटिलाइजेशन है ही नहीं मार्केट में, उससे रिलेटेड जॉब्स खत्म हो चुकी हैं। और ऐसे में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं कि जिस वक्त वो पढ़ रहे थे उस वक्त किसी चीज का बहुत ज्यादा प्रचलन था, जिसे देखते हुए उन्होंने रिलेवेंट इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन किए अपने सेमेस्टर के हॉलीडेज में, लेकिन जब तक डिग्री कंप्लीट हुई और जब तक अपनी पढ़ी हुई नॉलेज को यूटिलाइज करने का समय आया इंडस्ट्री में, तब तक वो चीज इंडस्ट्री से जा चुकी थी। इसलिए इंडस्ट्रियल ट्रेंड जो है वो बहुत जल्दी वैरी करता है। आप क्या पढ़ रहे हैं कोई गारंटी नहीं है कि आप उसका एग्जैक्टली उसी वे में यूटिलाइजेशन करेंगे। हम जो प्रोफेशनल कॉलेजेस में या किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं उसका मार्केट लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता, ये अक्सर पाया गया है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इंडियन सिनेरियो में कि हम जो पढ़ते हैं उसका कोई रिलेशन ही नहीं होता उस चीज से जो एक्चुअली मार्केट में हो रही है। मार्केट में जाके हमें नई चीजें सीखनी पड़ती हैं, नए नए टूल्स और टेक्नोलॉजीज के ऊपर सर्टिफिकेशन करना पड़ता है जिनके ऊपर फिलहाल इंडस्ट्री में काम हो रहा है, और दुख की बात यह है कि उन सर्टिफिकेशंस का जो हम इंडस्ट्री में जॉब पाने के लिए करते हैं अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद उसका उस पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है जो 4 या 5 साल की डिग्री में हमने पढ़ा है। जो सब्जेक्ट्स हमने इन 4 या 5 साल की डिग्री में पढ़ा है उसका उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री रिलेवेंट सर्टिफिकेट से कोई लेना देना ही नहीं, तो इतनी सारी पढ़ाई करने का आखिर हमें फायदा क्या हुआ।
हम तो कुछ भी करके वो बस इंडस्ट्री रिलेवेंट सर्टिफिकेट कर लेते और हमें स्पेसिफिक जॉब मिल जाती। इस गैप को ब्रिज करने का अभी तक कोई सटीक उपाय नहीं ढूंढा गया है और ये बहुत बड़ी दुविधा है इंडियन जॉब मार्केट की और ये बहुत बड़ी दुविधा है इंडिया के यंग प्रोफेशनल्स की जो अभी प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। लेकिन इस समस्या का समाधान निकालने का भी एक तरीका है और वो तरीका हमें स्वयं अपने दम पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसलिए यहां कुछ खास चीजों पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी सेमेस्टर के ब्रेक्स हो, आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के बाद जो भी छुट्टियां हो, तो उस वक्त जो भी इंडस्ट्री रिलेवेंट सर्टिफिकेशंस हैं आप जरूर उन सर्टिफिकेशंस को करें। आप अपने सेमेस्टर हॉलीडेज को ज्यादा से ज्यादा अपने फील्ड से रिलेटेड सर्टिफिकेशन गेन करने में यूटिलाइज करें। एक सेमेस्टर की छुट्टी हुई, आप दिल्ली एनसीआर, बैंगलोर या हैदराबाद ऐसे किसी इंडस्ट्रियल टाउन या सिटी में जाके आपने कोई अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड रिलेवेंट सर्टिफिकेट कर लिया, फिर सेकेंड सेमेस्टर की छुट्टी हुई, थर्ड सेमेस्टर की छुट्टी हुई, इस तरह से फाइनल ईयर क्रॉस करते करते आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हो जाएंगे। और एज अ फ्रेशर जब आप अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट एचआर के सामने दिखाओगे नौकरी के लिए और उसके अंदर यह भी मेंशन होगा कि आपने अपने हॉलीडेज को एक प्रॉपर वे में सर्टिफिकेशन गेन करके यूटिलाइज किया, तो आपकी जॉब प्रेफरेंस पक्की हो जाएगी। यानी कि दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में आपको पहले रखने का विचार एचआर बनाएगा, क्योंकि दूसरे बच्चों के पास सिर्फ डिग्री और सर्टिफिकेट होगा लेकिन आपके पास डिग्री और सर्टिफिकेट के साथ साथ इंडस्ट्री रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स भी होंगे। तो यहां तो आपको पहले प्रेफरेंस मिल जाएगी, एचआर आपको सबसे पहले हायर करेगा 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब नौकरी मिलने के बाद आपको क्या करना है? नौकरी मिलने के बाद आपको कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी, जाहिर सी बात है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना आपकी जिम्मेदारी होगी कंपनी के अंदर। उन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते इंडस्ट्री में और एडिशनल क्या क्या चल रहा है आपको उसकी अवेयरनेस रखनी पड़ेगी, और इंडस्ट्री में जिस स्पेसिफिक काम से आप जुड़े हुए हैं उससे थोड़ा सा समय निकाल के किसी दूसरे व्यक्ति से मिलके इंडस्ट्री के अंदर वो किस तरह से काम कर रहा है, उसके डिपार्टमेंट में क्या क्या काम हो रहा है और उन कामों को कैसे किया जाता है समय निकाल के, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग्स अक्सर हुआ करती हैं और इन ट्रेनिंग्स में पार्टिसिपेट करने का क्राइटीरिया वॉलेंट्री होता है, यानी कि आप वॉलेंटियर कर सकते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। वो ट्रेनिंग्स उस स्पेसिफिक ग्रुप के लिए होती हैं जिसे वो ट्रेनिंग देना अनिवार्य इंडस्ट्री के रूल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसी कोई कंपल्शन नहीं होती कि किसी दूसरे फील्ड का व्यक्ति उन ट्रेनिंग्स में पार्टिसिपेट ना कर पाए, आप वॉलेंटियर करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए जब तक आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं इस तरह की ट्रेनिंग्स में भी आप जरूर पार्टिसिपेट करिए और इंडस्ट्री में अलग अलग सेक्शंस में क्या क्या हो रहा है इसकी जानकारी भी बखूबी रखिए। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि इंडस्ट्री में काम करते वक्त आपको अपने स्पेसिफिक प्रोफाइल की तो 100% परफेक्ट नॉलेज है ही, इसके साथ साथ आपको एडिशनल चीजों की भी, एडिशनल प्रोफाइल्स की भी बहुत अच्छी नॉलेज है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोफाइल, इंडस्ट्रियल जॉब भी कभी स्टेबल नहीं रहती। बड़े बड़े मैनेजर्स, बड़े बड़े सीईओस को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है जब उनकी रिलेवेंट स्पेसिफिक फील्ड में रिसेशन आता है, और जब रिसेशन आता है तो ये नहीं देखता कि आप किस पोजीशन पे इंडस्ट्री में हैं, आप फ्रेशर हैं, कंपनी के सीईओ हैं या कंपनी के मालिक ही क्यों ना है। अगर उस पर्टिकुलर फील्ड में रिसेशन आया, जो चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एज द ओनर ऑफ द कंपनी, तो आपकी कंपनी भी डूब सकती है। इसलिए मार्केट का ट्रेंड बहुत डिफरेंट है और बहुत अनएक्सपेक्टेड है। आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते कि इंडस्ट्री में कल को क्या होने वाला है, इसलिए बेहतर यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों की नॉलेज गेन करिए। जब हम इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो हमें नई नई चीजें सीखने का अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि इंडस्ट्री में सबसे खास चीज है ट्रेनिंग्स। इंडस्ट्री में ट्रेनिंग्स अक्सर होती रहती हैं और जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, वॉलेंटियर करना बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। आप वॉलेंटियर करके जाइए और इन डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स की ट्रेनिंग्स में बैठिए और नॉलेज गेन करिए। इंडस्ट्री में जब तक आप काम कर रहे हैं, काम को परफेक्टली करने के साथ साथ एक जिम्मेदारी और आपकी बनती है, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करना। ये नॉलेज हमेशा आपके पास रहेगी। ज्यादा से ज्यादा नॉलेज और वैरिड फील्ड के बारे में अवेयरनेस रखने से ये होगा कि अचानक अगर आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें कोई स्लंप आया, उसमें कोई डाउनफॉल आया, उसमें कोई रिसेशन आया, तो आप फुली प्रिपेयर्ड हैं दूसरी फील्ड में इमीडिएटली मूव करने के लिए। आपके पास रिलेवेंट नॉलेज है
कि आज एक फील्ड में रिसेशन आया, आपने तुरंत अपनी फील्ड स्विच करी और आपको इससे कोई लॉस भी नहीं हुआ क्योंकि आप उस फील्ड से ऑलरेडी अवेयर थे और आप इस तरह से हर डोमेन में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। मार्केट की कंडीशन क्या रहेगी हम नहीं जानते, कौन सी फील्ड आगे जाएगी कौन सी फील्ड पीछे आएगी ये भी हम नहीं जानते, किस फील्ड में कब रिसेशन आएगा ये भी हम नहीं जानते, लेकिन हम पहले से खुद को प्रिपेयर करके जरूर रख सकते हैं कि अगर कभी रिसेशन आया तो हम इस कदर अपने आप को संभाल लें कि खुद को और खुद के परिवार को अच्छी तरह से देखभाल कर सके। तो देवियों सज्जनों आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ER पीयूष पांडे ट्रेनर बीटेक MBA और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।